हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का सेकेंड लेक्चर है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या देखा? कुछ बेसिक टर्म्स हमने देखे। हमने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर का डेफिनेशन देखा, कॉन्ट्रैक्टी का डेफिनेशन देखा, और हमने वर्क कंप्लीट, वर्क सर्टिफिकेशन एंड वर्क अनसर्टिफिकेशन देखा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम लास्ट लेक्चर का ही एग्जाम्पल कैरी ऑन करें तो लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि एबीसी लिमिटेड हैज कंप्लीटेड 2 किलोमीटर्स ऑफ रोड, बट उन्हें जो सर्टिफिकेशन मिला, जो वर्क सर्टिफाई हुआ, वो कितना हुआ? 1.6 किलोमीटर। अनसर्टिफाई कितना रह गया? अनसर्टिफाइड रहा 0.4 किलोमीटर। यहां तक हमने लास्ट क्लास में देखा था। माय डियर फ्रेंड्स, वर्क सर्टिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। पहला बात तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि हम कॉन्ट्रैक्टर का बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, ना कि कॉन्ट्रैक्टी का। कॉन्ट्रैक्टर के लिए वर्क सर्टिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बिकॉज माई डियर फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्टर को वर्क सर्टिफाई के अकॉर्डिंग रेवेन्यू मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 10 लैक्स एंड हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या था? 10 किलोमीटर्स 3 इयर्स में, ठीक है। अभी क्या हुआ कि एबीसी लिमिटेड को सर्टिफिकेशन मिला 1.6 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में। एबीसी लिमिटेड ने काम तो कंप्लीट किया 2 किलोमीटर, बट उन्हें वर्क सर्टिफिकेशन मिला सिर्फ 1.6 किलोमीटर का, एंड अकॉर्डिंगली एबीसी लिमिटेड को जो रेवेन्यू मिलने वाला है फर्स्ट ईयर में, वो विथ रेस्पेक्ट टू 1.6 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में मिलेगा। बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोल रहे हैं कि आपने 2 किलोमीटर का काम तो कंप्लीट किया, नो डाउट, बट हमारे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 1.6 किलोमीटर का ही काम कंप्लीट हुआ है, एंड अकॉर्डिंगली हम 1.6 किलोमीटर का ही रेवेन्यू आपको पास ऑन करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इस केस में अगर देखा जाए तो एबीसी लिमिटेड को जो रेवेन्यू मिलने वाला है वो कुछ ऐसा मिलने जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 10 लाख था कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, सो 1.6 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 10 किलोमीटर इनटू 10 लाख, ये आ जाएगा 1.6 लाख। इतना रेवेन्यू एबीसी लिमिटेड को फर्स्ट ईयर में बुक करना पड़ेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 1.6 लाख है, इसे हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ये है मेरा वैल्यू। वैल्यू मींस वी आर टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू। माय डियर फ्रेंड्स, रेवेन्यू का बात आपने किया, आप ये बोल रहे हो सर कि हमें 1.6 लाख रुपीस मिलने जा रहे हैं, सर व्हाट अबाउट द कॉस्ट ऑफ द वर्क सर्टिफाइड? हम तो आपको ये बता रहे हैं कि 1.6 लाख आपको रेवेन्यू आने वाला है, बट कॉस्ट कितना लगा मेरा वर्क सर्टिफिकेशन में, वो हम कैसे निकालेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालेंगे। आइए, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड के लिए सबसे पहले आपको टोटल कॉस्ट अप टू द डेट निकालना होगा, जो कि मेरा 2 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में निकलेगा। 2 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर जितना भी कॉस्ट लगाया है वो यहां आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इससे हम लेस करेंगे वर्क अनसर्टिफाइड,
इसका कॉस्ट हम लेस करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका कॉस्ट जो हम लेस करेंगे ये क्या होगा, 0.4 किलोमीटर। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आएगा दैट इज ग्रॉस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। माय डियर फ्रेंड्स, कॉस्ट जो है दैट इज ग्रॉस, मेरा जो कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकला है दैट इज ग्रॉस वैल्यू। हम इससे लेस करेंगे अपने क्लोजिंग स्टॉक्स को, क्योंकि हमने अकाउंटेंसी में मैचिंग कंसेप्ट पढ़ा था। मैचिंग कंसेप्ट हमें क्या बोलता था कि हम उतना ही एक्सपेंसेस को मैच करेंगे अपने रेवेन्यू से जितना एक्सपेंसेस मेरा लगा है टू जनरेट द रेवेन्यू। सो इससे हम क्या लेस करने जा रहे हैं, इससे हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम इससे क्लोजिंग मटेरियल एट साइट लेस करेंगे एंड हम इससे लेस करेंगे क्लोजिंग प्लांट एट साइट। माय डियर फ्रेंड्स, ये आ जाएगा मेरा नेट कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। सो हमने देखा वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना निकला था, 1.6 लाख। उसके बाद हमने देखा कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड के लिए हमें करना क्या है, तो हमें यह करना है कि सबसे पहले टोटल कॉस्ट अप टू द डेट लेना है जो कि 2 किलोमीटर के लिए होगा। उससे हम लेस करेंगे वो कॉस्ट जो कि अनसर्टिफाइड के रेस्पेक्ट में लगा है, दैट इज 4.4 किलोमीटर। उसके बाद हमारा आ जाएगा ग्रॉस कॉस्ट ऑफ WC। ग्रॉस कॉस्ट ऑफ WC से हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को, विच इज क्लोजिंग मटेरियल्स इन हैंड या क्लोजिंग प्लांट एट साइट एटसेट्रा एटसेट्रा। माय डियर फ्रेंड्स, नेट कॉस्ट ऑफ WC निकलने के बाद हम जो अपना नेक्स्ट टर्म के ओर चल रहे हैं, दैट इज नोशनल प्रॉफिट। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि सर आप यहां नोशनल वर्ड यूज क्यों किए, आप एक्चुअल वर्ड क्यों नहीं यूज किए, ये एक्चुअल प्रॉफिट क्यों नहीं है सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जब तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट 100% कंप्लीट ना हो जाए, हम वहां पर एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस नहीं निकाल सकते। ध्यान दीजिएगा फिर से, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जब तक मेरा वर्क 100% कंप्लीट ना हो जाए एंड 100% सर्टिफाइड एंड कंप्लीट ना हो जाए, तब तक हम वहां पर एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल सकते। बट हम तो अकाउंटेंसी कर रहे हैं, वी नीड टू पे द टैक्सेस ऑल्सो। टैक्स हम फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे पे करते हैं, अकाउंट्स हम इसलिए बनाते हैं बिकॉज पीरियड एंड में हमें अकाउंट्स बनाना है टू जज आर प्रॉफिट और लॉस। सो हम क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो हम हर साल का अकाउंट्स बनाएंगे, उसमें हम जो प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे दैट इज नोशनल। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जो जो स्टूडेंट्स अभी तक टैक्सेशन डायरेक्ट टैक्सेशन के क्लास ऑलरेडी स्टार्ट कर लिए हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन में एक चैप्टर है इनकम फ्रॉम HP, वहां पर भी आपको नोशनल रेंट पढ़ाया जाएगा एंड द सेम मीनिंग विल बी एप्लीकेबल हियर। नोशनल का मतलब क्या होता है, दैट इट इज नॉट एक्चुअल, ये एक्चुअल नहीं है, बट हम इसे एस्टिमेट रादर देन हम इसे नियर अबाउट एक्चुअल मान सकते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में भी, क्योंकि जब तक हमारा 100% वर्क कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकते हैं, हेंस फोर्थ हम हर साल नोशनल प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। इस केस में भी हम नोशनल प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। सो नोशनल प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं। इसके अलावा हम आगे चल के देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कैश रिसीव्ड एंड कैश रिटेंशन। माय डियर फ्रेंड्स, जो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है दैट इज ग्रॉस रेवेन्यू। ये पैसा मेरा ड्यू अमाउंट है,
से फॉर एग्जांपल जो हमने देखा 1.6 लाख हमें मिलने जा रहा है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोल रहा है कि हम 1.6 लाख आपको पूरा पे नहीं करेंगे, इनफैक्ट हम 1.6 लाख से आपको 1.4 लाख अभी पे करेंगे एंड 0.2 लाख हम रिटेन्ड करेंगे अपने पास फॉर एनी रीजन, फॉर सिक्योरिटी पर्पस और फॉर एनी रीजन। सो 1.6 लाख कॉन्ट्रैक्टर का बनता है, कॉन्ट्रैक्टर का ड्यू अमाउंट 1.6 लाख है, बट एक्चुअली में उसको रिसीव कितना होगा 1.4 किलोमीटर। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो वहां पर हम ग्रॉस रेवेन्यू लेते हैं, इसीलिए नोशनल प्रॉफिट के केस में हमने कहा वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, यहां पर हम 1.6 लाख ही लेंगे। बट जब हम अपने बैंक अकाउंट चेक करेंगे, जब हम अपना कैश शीट बनाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे हमें कितना रुपया मिला, 1.4 लाख, बिकॉज 0.2 लाख तो गवर्नमेंट ने रिटेन कर लिया। सो आपका जो कैश रिटेंशन और कैश रिसीव्ड है दैट इज रिलेटेड टू वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। सो हम ये बोल सकते हैं दैट वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इक्वल्स टू कैश रिसीव्ड प्लस कैश रिटेंशन। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इक्वल्स टू कैश रिसीव्ड प्लस कैश रिटेंशन। कैश रिसीव वो पार्ट हो गया जो कि हमें मिल गया, कैश रिटेंशन वो पार्ट हुआ जो हमें नहीं मिला। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने दो लेक्चर्स में क्या क्या देखा, हमने डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर देखा, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टी देखा, हमने देखा वर्क कंप्लीटेड जो होता है दैट इज कॉन्ट्रैक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, हमने देखा उसके बाद वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड जो होता है दैट इज कॉन्ट्रैक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फिर हमने देखा एज पर द वर्क सर्टिफाइड हमें रेवेन्यू बुक करना होगा अपने बुक्स में, किसके बुक्स में, कॉन्ट्रैक्टर के बुक्स में, फिर हमने देखा कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड का फॉर्मूला क्या था, सो कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट अप टू द डेट माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड माइनस क्लोजिंग स्टॉक्स। उसके बाद हमने देखा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्योंकि हम एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस तब तक नहीं निकालते हैं जब तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो जाए, इसलिए हम हर साल क्या करेंगे, नोशनल प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। फिर हमने देखा कि वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इक्वल्स टू कैश रिसीव्ड प्लस कैश रिटेंशन। माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का बेसिक टर्म्स अब हमने क्लियर कर लिया, नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को और डिटेल्ड में जानेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर राइट हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग केएस क्लासेस एंड इफ यू आर रियली लाइकिंग माई वीडियोज देन प्लीज डू शेयर, डू लाइक एंड डू कमेंट। थैंक यू।